हेलो, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आज हमें देखना है। उसमें पहले है यूज़र मोबिलिटी। सी, द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ यूज़र मोबिलिटी। मीन्स यूज़र शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर फिजिकल लोकेशन। अगर हमारे पास मोबाइल है तो वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यस, सो अगर इसका एग्जाम्पल देना है यूज़र मोबिलिटी का, तो देखो, अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एज अ यूज़र है, तो वो यूज़र जो पीपीटी कॉलेज में अगर ओपन की है, यूज़ की है, तो सेम पीपीटी कैन बी ओपन एट होम। यानी कि यूज़र सेम है और यूज़र कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, स्टिल द सेम वर्क कैन बी डन। जैसे पीपीटी ओपन इन द कॉलेज एज वेल एज पीपीटी ओपन इन द होम। ओके, दैट इज अ यूजर मोबिलिटी। आफ्टर दैट, नेटवर्क मोबिलिटी। यूजर शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनादर नेटवर्क। सी, कौन से नेटवर्क यूज कर सकते हैं? सपोज अ यूजर एक स्टूडेंट है, और अगर स्टूडेंट कॉलेज में है तो कॉलेज में जो इथरनेट केबल आती है टू प्रोवाइड द इंटरनेट एक्सेस, सो नेटवर्क अवेलेबिलिटी इन द कॉलेज वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ इथरनेट केबल। अगर हम हमारे घर में आते हैं, अगर सपोज हमारे पास इथरनेट केबल नहीं, तो वी कैन यूज़ आवर वाईफाई सर्विस, है ना। अगर वाईफाई ऑन करेंगे तो भी हमें नेटवर्क दूसरी नेटवर्क सर्विस, जैसे कॉलेज में इथरनेट मिली थी, घर आके हमें वाईफाई मिल रही है। सपोज हम हमारे फ्रेंड के यहाँ गए और सपोज उसके यहाँ का हमने हॉटस्पॉट लगाया, सो वी आर चेंजिंग द नेटवर्क, है ना। पहले इथरनेट केबल लगा दी, वाईफाई लगा दिया, उसके बाद हमने हॉटस्पॉट लगा दिया। दिस इज नथिंग बट द नेटवर्क मोबिलिटी। वी आर चेंजिंग द नेटवर्क, स्टिल वी आर गेटिंग द ऑल द एक्टिविटी वॉट इज वी आर डूइंग इन द प्रीवियस, सेम एक्टिविटी कैन डू हियर ऑल्सो। ओके, आफ्टर दैट, अ डिवाइस मोबिलिटी। डिवाइस मोबिलिटी क्या है? यूजर शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। अब डिवाइस मोबिलिटी क्या है? अब डिवाइस चेंज होने वाले, जैसे यहाँ पे नेटवर्क मोबिलिटी था तो हमने नेटवर्क चेंज करके बोला है, अगर यूजर मोबिलिटी है तो यूजर की प्लेस चेंज करके दिखाया। अब यहाँ पे अब डिवाइस मोबिलिटी है। डिवाइस मोबिलिटी यानी कि क्या? सी, अगर सपोज हमारे पास मोबाइल है और स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो कॉलेज में अवेलेबल है, तो अगर कॉलेज में स्टूडेंट का ईमेल मोबाइल पे ओपन होता है, और घर आने के बाद वही मेल स्टूडेंट कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप और पीसीस, तो घर आके पीसी पे भी वो ओपन होता है, तो डिवाइस मोबिलिटी मिल गई ना। एट अ कॉलेज वी कैन यूज़ आवर मोबाइल टू चेक आवर मेल, एंड वेल कमिंग टू द होम, सपोज अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, अगर हमारे पास पीसी है तो पीसी। यानी कि वी आर चेंजिंग द डिवाइस, स्टिल वी कैन एक्सेस द ईमेल, है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, दैट इज अ डिवाइस मोबिलिटी। आफ्टर दैट, सेशन मोबिलिटी। इन दिस सेशन मोबिलिटी द यूजर शुड बी एबल टू मूव वन यूजर एजेंट एनवायरमेंट टू अनदर यूजर एनवायरमेंट। जस्ट लाइक सेशन मोबिलिटी में होता क्या है कि जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर उसमें हम कुछ वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं, जब हम डाउनलोड करने के लिए शुरू करते हैं, सो अगर डाउनलोडिंग के बीच में ही सपोज नेटवर्क एकदम से कट हो गया, यानी कि जीरो हो गया, सो डाउनलोडिंग पूरी नहीं हुई है, सो एट दैट टाइम अगेन एज वी आर मूविंग, तो आफ्टर सम टाइम वी आर गेटिंग द स्ट्रांग सिग्नल। सो बिकॉज ऑफ दिस जो हमारी डाउनलोडिंग जहाँ पे पॉज हुई थी, फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन अगेन स्टार्ट टू डाउनलोडिंग द आर वीडियो। सो इसका मतलब यह है कि बिकॉज ऑफ द सेशन, सेशन में मोबिलिटी, अगर सेशन डिफरेंट डिफरेंट सेशन में हम वही काम डिफरेंट डिफरेंट सेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीईटी की एग्जाम है, नीट की एग्जाम है, द एग्जाम हम ऑनलाइन दे रहे हैं सपोज, सो ऑनलाइन देने जब देते हैं तब वहाँ पे एक टाइम डिस्प्ले होता है, और विद इन दैट टाइम अगर हमारा अगर पीसी को अगर अगर टीपीसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वॉट हैपन, वी कैन अगेन वो सेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि अगेन यूज़र आईडी पासवर्ड लिख के वो सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से हमारा रिज्यूम हुआ था जो सेशन, वो हमें फिर से
वहीं से मिलता है, और टाइम भी जहाँ से कट हुआ था सेम टाइम से हम अगेन प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। यानी कि सेशन मोबिलिटी, यानी कि ये कि सपोज देर इज अ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम वन सेशन विल नॉट कम्प्लीटेड, एंड वेन वी आर गेटिंग द सॉल्व प्रॉब्लम एट दैट टाइम सेम सेशन विल बी कंटिन्यूड एंड फ्रॉम दैट रिज्यूम सर्विसेज वी कैन कंटिन्यू, है ना। दैट इज कॉल्ड एज सेशन मोबिलिटी। ओके, आफ्टर दैट बैरियर मोबिलिटी। वॉट इज मीन बाय बैरियर मोबिलिटी? सो द यूज़र शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन बैरियर टू अनदर बैरियर। अब होता क्या है, देखो सपोज हम किसी को व्हाट्सअप कर रहे हैं, यानी कि हमारा मैसेज इंटरनेट से भेज रहे हैं, तो उस टाइम होता है बिकॉज ऑफ सपोज प्रॉब्लम फेल्यूअर, अगर इंटरनेट का इश्यू है तो वी कैनॉट सेंड आर मैसेज टू द रिसीवर। सो हम क्या करेंगे, वही मैसेज को जो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम आ रहा है अभी, तो उसी मैसेज को हम टेक्स्ट मैसेज करके मैसेज भेजेंगे। तो व्हाट एवर द वर्क वी वांट टू डू, सेम वर्क कैन बी डू विद द हेल्प ऑफ बैरियर टू ओवरकम द बैरियर, है ना, टू ओवरकम द बैरियर। जैसे हमने पहले व्हाट्सएप का यूज़ किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो व्हाट्सएप से गया नहीं हमारा मैसेज, तो हमने उसको ही कॉपी कर दिया और मैसेज थ्रू भेजा। सो वी आर चेंजिंग द बैरियर, यानी कि वी आर डूइंग डन आवर वर्क इजीली, जस्ट चेंजिंग द बैरियर। अंडरस्टूड? ओके, आफ्टर दैट होस्ट मोबिलिटी। ये होस्ट मोबिलिटी होता क्या है, यूजर शुड बी एबल टू बी आइदर क्लाइंट और सर्विस। मेनी टाइम्स क्या होता है, अगर हम ग्रुप में रहते तो हम ग्रुप एडमिन हो सकते हैं, अगर क्लाइंट्स अगर पीसीज आर कनेक्टेड इन द लैन, सो समटाइम्स आवर पी सी मे बी क्लाइंट मे बी सर्वर, तो ऐसा जो सिचुएशन आती है तो दैट इज़ अ होस्ट मोबिलिटी। कभी हम जैसे मोबाइल में हम एडमिन बन सकते हैं व्हाट्सएप पे, और जब हम लैन में वर्क करेंगे तो क्लाइंट बन सकते हैं। सो दिस मोबिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ होस्ट मोबिलिटी। सो ऑल दीज आर the characteristics of a mobile computing. Thank you.